एक अप्रैल से नया साल शुरू हो रहा है। कंफ्यूज मत होइए, नए साल का मतलब है न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, क्योंकि जितने भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह यूज करते हैं उनका जो नया साल होता है एक अप्रैल से शुरू होता है। जो भी बजट फरवरी में पेश किया जाता है वह सभी जो है एक अप्रैल से लागू होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए एक फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ जो होता है मार्च महीना होता है। तो मार्च महीने तक जितने भी बैंकों ने अपने टारगेट सेट किए होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए बहुत सारे बैंक जो है इस टाइम आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड को भी लाइफ टाइम फ्री दे रहे हैं जिनकी फीस 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए है, वे वाले क्रेडिट कार्ड भी इस टाइम आपको लाइफ टाइम फ्री के तौर पर मिल जाएगा। तो कौन से वो क्रेडिट कार्ड है और आपको कैसे अप्लाई करना है इसका भी एक ट्रिक है। जिस ट्रिक को आप यूज करोगे तो आपका भी जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल है ना 99% जो है मिल ही जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और साथ ही आप सभी का हो सकता है एक क्वेश्चन भी हो कि मार्च महीने में हम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका अप्रूवल हमें अप्रैल में जाकर मिले, तो क्या जो ये ऑफर है लाइफ टाइम फ्री वाला यही वाला क्रेडिट कार्ड हमें मिलेगा? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो आप मार्च मंथ में, तो अप्रूवल भले ही वो अप्रैल में जाकर मिले लेकिन एप्लीकेशन फाइल आपने मार्च में किया है तो वो ऑफर काउंट होगा और आपको जो क्रेडिट कार्ड रिसीव होगा वो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रिसीव होगा। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड जो है अभी आपको लाइफ टाइम फ्री के तौर पर मिल रहा है। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन से ट्रिक को यूज करके आपका जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल है इजीली मिल जाए। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप इंडोसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंडोसइंड बैंक का लीजेंड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और इंडोसइंड बैंक का वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और इंडोसइंड का ऑरेंज क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी आपको लाइफ टाइम फ्री के तौर पर मिल रहा है। देखिए, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का फायदा यह होता है कि मान लीजिए आपको किसी साल में कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने की, तो उस केस में आपको उसका कोई भी एनुअल फीस नहीं देना पड़ेगा। यहीं पर अगर कोई चार्जेस वाला आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप उस क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में स्पेंड करो या ना करो लेकिन उसका जो एनुअल फीस है वो आपको लास्ट में पे करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास में जो क्रेडिट कार्ड हो लाइफ टाइम फ्री हो तो सबसे बेहतर है। और एक चीज आपको बता दूं, यहां पर मैं जितने भी क्रेडिट कार्ड का नाम ले रहा हूं इनके रिलेटेड ऑलरेडी हमारे चैनल पर कंप्लीट रिव्यू वीडियो जो है पहले से अपलोड है, तो अगर आपको इन क्रेडिट कार्ड की फुल बेनिफिट के बारे में जानना है तो उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर विजिट करके। अब बात करते हैं सेकंड क्रेडिट कार्ड की जो कि अभी आपको ले लेना चाहिए क्योंकि इस टाइम अप्रूव काफी ज्यादा हो रहे हैं, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो आपको लाइफ टाइम फ्री ही मिल जाते हैं, तो आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिस्ट में हमारा जो अगला नंबर है वो है बीओबी बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड के बारे में। बीओबी बैंक के अभी आपको प्रीमियर, सिलेक्ट और इजी क्रेडिट कार्ड जो है आपको लाइफ टाइम फ्री के तौर पर मिल रहा है। इनके फीस अलग अलग है, एक क्रेडिट कार्ड का फीस 500 रुपए है, एक क्रेडिट कार्ड का फीस 750 रुपए है और एक क्रेडिट कार्ड का फीस जो है 1000 रुपए है, लेकिन इस लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो आपके पास में मौका है, बीओबी का क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर सकते हैं। और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की बात हो रही हो और उसमें एक्सिस बैंक का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सिस बैंक भी अभी जो है आपको 2 क्रेडिट कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, वो माइजोन क्रेडिट कार्ड और दूसरा जो है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो माइजोन क्रेडिट कार्ड के आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं और डिटेल वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी आप एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो इन दोनों में से कोई भी एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सिस बैंक का जो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो भी 0 ज्वाइनिंग फीस पर मिल रहा है, उसे भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अभी जो है उसका अप्रूवल भी काफी इजिली मिल रहा है। और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के देने के लिस्ट में एचडीएफसी बैंक भी शामिल हो चुका है। एचडीएफसी बैंक का जो टाटा नियो क्रेडिट कार्ड है वो जो है अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। यहाँ पर 2 तरह के ऑफर शो कर रहे हैं, कुछ लोगों को 0 ज्वाइनिंग फीस पे मिल रहे हैं यानी एनुअल फीस उनको पे कर रहे हैं और कुछ लोगों को ज्वाइनिंग फीस भी निल है और एनुअल फीस भी 0 है। तो आप एक बार अपने टाटा नियो अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑफर मिला है और फिर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई SBI का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो देखिए SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है एंट्री लेवल में एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड है लेकिन अभी उसका जो अप्रूवल रेट है थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए पहले आप SBI का सिंपली क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई कर लीजिए, इसका अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद में इस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो है आप SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी ले पाएंगे।
तो SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड जो है आपको फ्री तो नहीं मिलेगा, इसका ज्वाइनिंग फीस है और एनरोलमेंट फीस भी है, लेकिन ज्वाइनिंग फीस के तौर पर ना अभी आपको ₹500 का Amazon का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी इसका ज्वाइनिंग फीस नील है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। इसका अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस ट्रिक की, जिस ट्रिक की हेल्प से आप जो है इनका अप्रूवल इजिली ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका सिबिल वगैरह अच्छा है, पहले से कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तब तो आपको बहुत ही आसानी से इसका अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन आपके पास में कोई इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो उस केस में आपको जो एप्लीकेशन फाइल करना है उस टाइम जो बेसिक डिटेल्स है वो तो आप एंटर कर दीजिए, और जो इससे फाइनेंशियल सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं और वहां पर जो एड्रेस आपने मेंशन कर रखा है ना, तो इस एप्लीकेशन को फाइल करते टाइम भी उसी एड्रेस को ही एंटर कीजिए। इससे आपको यह फायदा मिल जाएगा कि आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा। दूसरी चीज, आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो उस केस में क्या कीजिए ना कि जब आप यहां पर अपना एनुअल इनकम वगैरह डालते हैं और प्रोफेशन डालते हैं, तो उस प्रोफेशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो सिलेक्ट कर लीजिए, बट वहां पर जब आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि कौन से कैटेगरी का आपका बिजनेस है, तो उस केस में आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है जिसे देखने के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करेगा। यहीं पर अगर आप वहां पर सेलेक्ट करते हैं कि आप एक दुकानदार हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो उस केस में आपसे उस बिजनेस की डिटेल मांगी जाएगी। अगर आप शॉप ओनर हैं तो आपकी शॉप की जो है फोटो वगैरह आपसे मांगी जाएगी। लेकिन आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करते हो तो उस केस में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स यानी फोटो वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और इनकम रेंज में मिनिमम आप 6 लाख रुपीज का ही सिलेक्ट कीजिए, तब आपको जो अप्रूवल है बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और अभी की बात करूं तो बहुत सारे यूजर्स को जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल है इस बेसिस पर मिल गया है क्योंकि उसके बैंक के स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी। उन्होंने इनकम प्रूफ में अपने बैंक का स्टेटमेंट दे दिया था और उस स्टेटमेंट में देखा कि इनके ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा अमाउंट के हो रहे हैं और अच्छे खासे हो रहे हैं, तो इसीलिए उनको अप्रूवल मिल गया। तो बैंक का स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो और उसके अलावा आप इनकम प्रूफ में अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दे सकते हो। तो आपके पास में अभी मल्टीपल चॉइस हैं बैंकों के भी कि आप किस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, और मैंने इनकम डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बता दिया, तो इनमें से आप कोई भी एक इनकम डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस केस में आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। इससे आपको फायदा ये मिल जाएगा कि आपसे जो है किसी भी तरह का वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करेगा बैंक, बट आपका सिबिल वगैरह अच्छा होगा तो आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। So, ये था वो लिस्ट जो मार्च महीने के लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का था, और अभी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।